भाई भाई क्या हाल है? ठीक ठाक अपने? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त अब्दुल अजीज। तो मेरे साथ है ताहिर भाई, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं। तो आज इन्होंने अपने डेरे पे मुझे इनवाइट किया है। आपने वाइटल चाय का इंटरनेशनल ब्रांड का तो बहुत सुना होगा, तो आज हम उन्हीं के डेरे पर आए हैं। तो इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है कि आज वो आपको गाँव की लाइफ दिखाते हैं कि गाँव। पहुँच चुके हैं तो जी ताहर भाई जी, अजीत भाई आपको ले चलते हैं। एक यहाँ पे आदमी, कुछ उन्होंने सांप पकड़ा हुआ है। अच्छा, काला सांप जो बड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं कि नाग, काला नाग। ओ तो जी चलते हैं। चलें, ये हमें सांप दिखाएंगे। तो ताहर भाई आप हमें सांप दिखाएं। जी अजीत भाई चलते हैं, आज चले आज। और ये बैठे हैं जोगी भाई, और इन्होंने लगता है सांप पकड़ा और काफ़ी बड़ा पकड़ा है। तो जी दिखाइए हमें सांप। तेरी खैर हो। What is this? ये देखिए नाजरीन, बहुत ही, ये तो एक बहुत ही बड़ा सांप है। नाजरीन डर भी लग रहा है, लेकिन करना कुछ है। कितना बड़ा और काला सांप है, और मेरी तरफ देख रहा है ये, और हमारे जो ब्लॉगर हैं यहाँ पे खड़े हैं इधर। नाज़रीन आप यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं जोगी बाबा, और हम देखते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं रे। ओह, ये पकड़ लिया उन्होंने, हाथ में पकड़ लिया सांप। अजीज भाई कहाँ पे गए आप? डर लग रहा है यार, आगे नहीं आया मैं। डर क्यों रहे हैं? डर क्या कि जीत है? जिंदगी में पहली बार सांप देखा है तो डर तो लगेगा इंसान को। सांप से डरने लगता है। ओहो, दांत उसके इतने बड़े बड़े दांत। अच्छा जोगी भाई, जरा बताएंगे कैसे पकड़ते हैं आप सांप? देखिया नहीं हूँ जब मैं पकड़िया। तो जोगी भाई बताएंगे कैसे पकड़ा आपने सांप? जी ये खुट दे विच बैठा से जी, जा रहे सी, लालियों ने शोर पाया रेगिस्तान में। हां जी, सानू पता लग गया जी, काला नाग फिर रहा जी। बहुत लंबा ये तो यार, पकड़ लिया जी, फिर खुट पट के बाहर काट लिया। अच्छा जी, बड़ी मैं आगे क्या दिखाने वाले हैं? जी अजीत भाई चलिए मेरे साथ, कुछ जानवर खड़े हैं हमारे पास, कुत्ते वगैरह हैं, मुर्गे हैं, कबूतर हैं। अच्छा, और कुछ एनिमल्स हैं। अच्छा, भैंसे वगैरह हैं, तो चलिए देखते हैं। चलो आज आपको दिखाते हैं जानवर वगैरह, भैंसे वगैरह, तो देखते हैं आगे जाके। आपको भैंसे दिखाते हैं, हमने काफ़ी सारी भैंसे रखी हुई यहाँ पे। हाँ यार, भैंसे देखते हैं हम, आज भैंसे दिखाएं आप। पहुँच के भैंसों के लिए कभी बाहर नहीं आया इसलिए। देखे तो सही, कितना मासूम सा जानवर है। सुबह से एक्साइटेड हो रहा था कि हमारे व्लॉग में कब आएगा। बहुत खुश है ये, तो आप देख सकते हैं आपके सामने है ये। और ये देखो तार भाई ना, इस टाइम शाम का टाइम है, अपने जानवरों को खाना डालने लगे हैं, तो ये दिखाएंगे क्या डाल रहे हैं। तार भाई क्या डाल रहे हैं? ये आज मैं आया तो बाहर पहली दफ़ा हूँ, लेकिन ये मटर के छिलके हैं। अच्छा, तो कुछ डालूंगा आज मैं, शायद भैंसे मुझे मारना हट जाए। देख के शायद मेरा मालिक है ये। हाँ तो ये डालेंगे खाना वगैरह, तो हम देखते हैं कैसे डालते हैं। जी ये मैं खुद तो आगे नहीं गया, लेकिन मैंने अबू जी को दे दिए, वो डाल रहे हैं अब। ताहर भाई अपने डेरे की हिफाजत के लिए ना एक कुत्ता लेके आए, बहुत ही शानदार, तकरीबन 4.5 लाख इन्होंने कुत्ता लिया है। तो फाज भाई आप 4.5 लाख का लिया है, आज़ाद कश्मीर से मंगवाया कल। अच्छा, और कल ही आया है, तो आए आपको दिखाते हैं। चलें ठीक है, देखते हैं आपको कुत्ता। ताहर भाई ना अब हमें कुत्ता दिखाएं सर। ताहर भाई आप हमें वो डॉगी दिखाएं, और उसके बच्चे वगैरह भी। उसका बड़े को तो खैर नहीं पकड़ सकता मैं, लेकिन छोटे बच्चे को पकड़ लेता हूँ मैं। तो ज़रा उसका पैट वगैरह दिखाएं आप। ये देखे, ये देखिए, ये बड़ा ये खतरनाक भी है, काफ़ी खतरनाक, लेकिन हमारे मैम ने पाले इसलिए हमें कुछ नहीं कहते। ये जाहिर है इनके पालतू कुत्ते, इस वजह से ना इनको बिल्कुल डर नहीं। ये देखिए सर,
एक मिनट, ये टांगों में क्या है? ये टांगों में कुछ महसूस हो रहा है, ज़रा देखो तो। ओ भाई, यार दूर हो जाए यार। ताहिर भाई ने ना बहुत ही रईस वाले शौक रखे हैं, तो ये आपको ना अब दिखाते हैं अपने शौक। तो ताहिर भाई आप अपने शौक तो दिखाएं ज़रा। जी आइए, मेरे पास काफ़ी हैं, कुत्ते वगैरह हैं पालतू हैं, और देखें काफ़ी मेरे पास कबूतर हैं। आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं अपने शौक। अपना बाग दिखाने आया है, किन्नू का बाग है, किन्नू आम आ चीज है। अजीज भाई यहाँ पे हमें अमरूद है, यहाँ पे अनार है, किन्नू है, माल्टा है, ग्रेपफ्रूट है। अच्छा। और अंगूर के भी एक दो लगे हुए पौधे यहाँ पे, और अनार वगैरह है, और मीठे आप सुनोगे मीठे। अच्छा। मीठे वो भी हैं, और आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो इतने बड़े हो जाते हैं, उसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं। अच्छा। तो चलिए आप दिखाते हैं। यार दिखाएं यार, और आगे काफी यहाँ पे ना मट्टी सी, और हमें अपनी जो ये इस टाइम ना मट्टी आई, देख सकते हैं हमारी टांगे आ रही है मट्टी में धंस रही, क्योंकि इन्होंने वो ट्रैक्टर चलाया, क्योंकि इस तरफ कास्ट का टाइम हुआ है, काश्त के दिन आ गए, तो इस वजह से ना इन्होंने। अब आपको पता है जैसे गंदम का मौसम आ रहा है, बिल्कुल तो देखें अभी फल लगा हुआ, अभी है तो कच्चे, लेकिन आपको तोड़ के दिखा देते हैं। एक देखें इस टाइम में, ये आप अगर देख सकते हो, ये पक रहा है अभी ना, यहाँ से जूम करेंगे कैमरा मैन, यहाँ से पक रहा है अभी, तो अभी तकरीबन इन्हें 1 मंथ लगेगा, 1 से 1.5 मंथ लगेगा इसे पकने में। अच्छा। तो चले आगे आते हैं, बाग में आ गए। तो ये हमें ले आए आम के दरख्त, आम के बाग में देखें, ये आम का दरख्त है काफ़ी, ये अभी है तो ये बच्चा छोटा है, बिल्कुल, लेकिन अभी तकरीबन 4 से 5 साल लगेंगे इसे बड़ा होने में, और इसको जब फल देगा तो ये इसका हिसाब बिल्कुल खजूर जैसा है, जैसे कि एक दादा लगाए तो पोता खाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। और ये आम है तकरीबन, वो भी आम है, और इसे 5 से 6 से 10 साल लगेंगे इसे तैयार होने में, और तकरीबन आप ऐसा कह सकते हैं कि आज से 15 साल बाद हम इसका फल हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे देखें इनका हर तरफ बाग ही बाग है, इन्होंने इस टाइम भी पौधे लगाए हैं, वो देखे वो कौन सा वो वाला आप बता सकते हैं हमें? वो फ्रूटर का है, फ्रूटर है, वो सारे वो तकरीबन फ्रूटर लगे हुए हैं, और आई एम समी खाते हैं, आई एम समी देखते हैं सर। अजीज भाई हमने ये तोड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक निस्बतन उसके जो है फ्रूटर और उसके मौसमी की निस्बतन ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, अभी ये बिल्कुल छोटा है। अच्छा। तकरीबन 3 से 4 माह लगेंगे। अच्छा। ये इससे ट्रिपल हो जाएगा, यानी आप कह रहे हैं इससे भी बड़ा, ये 3 गुना हो जाएगा, इतना कम से कम हो जाएगा। अच्छा। अभी ये छोटे हैं, अभी मौसम भी इनका नहीं है, ये आप जनवरी में या फरवरी में आप इसे बिल्कुल खाने काबिल हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसे खा नहीं सकते इस टाइम? इस टाइम खा सकते हैं, लेकिन अभी टेस्ट नहीं इसके अंदर ना, अभी कड़वा है ये। कड़वा है जी, बिल्कुल कड़वा भी। तो यानी अभी इसे 2 से 3 महीने लगे, और इससे बड़ा भी और मीठा भी होगा, फरवरी या जनवरी के एंड में इसे खा सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल ज़बरदस्त यार। हम एक नए पौधे की तरफ लेके आए, तो ताहिर भाई आप बताएंगे यार किस चीज़ का पौधा ये? जी अजीज भाई आपने सुना होगा ये है मौसमी, तो मौसमी जो आप हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, ये होता मौसमी। हाँ ये और है, और अगर हम नीचे देखा तो यार इसको आई थिंक मेरा ख्याल इन्होंने स्प्रे वगैरह नहीं किया, उन्होंने तो जो मुलाजिम उन्होंने स्प्रे वगैरह नहीं किया, इसलिए खराब हो गए, नीचे गिर गए हैं, ये खराब हो गए बहुत ज़्यादा। आप अगर देखा जाए तो ये जो फल ये भी खराब हो चुका है, ये आराम से टूट गया बिल्कुल, बिल्कुल इतना फ़र्क है कि ये ख़राब है और ये फ्रेश है,
अच्छा तो ये खा नहीं सकते? ये खा नहीं सकते बिल्कुल ना, हम क्यों खराब हो पड़ा है, इसे स्प्रे नहीं हुई खाद डली से। अच्छा। सिर्फ ओनली पानी लगा देगा यहाँ पे, तो बस मुलाजिम देखते नहीं है वो। अच्छा, अगर स्प्रे लगा तो फिर ये खाने के काबिल काबिल होगा, लेकिन ये वाला खाने के काबिल है। अच्छा। और ये खाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल जर्द हो पड़ा है, धूप से खुश्क होगा ये। तो ठीक है भाई, हमने गाँव पूरा देख चुके हैं, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। तो ताहिर भाई थैंक यू सो मच यार, आपने अपना मेरा दिखाया। कोई बात नहीं, आपके लिए टाइम होगा, टाइम होगा, आपके लिए टाइम नहीं होगा। बस यार आपका आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा माहौल, आपका माशाल्लाह गांव बहुत प्यारा है, आपके बाग बहुत अच्छे हैं, तो जानवर वगैरह भी बहुत देखे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे जानवर हैं आपके। तो इसके साथ आप ना हमें इजाज़त दें, आपने आप जाना है घर की तरफ, इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके। ओ हाँ ताहिर भाई, बात तो सुने यार। जी जी यार, आप हमारे सब फ्रेंड्स को कहते जाए ना, जी जी जी, सब्सक्राइब करें जी दोस्तों, अमेज़न वीकेंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे इन्वायरमेंट दिया और इनके साथ रह के हमें बहुत अच्छा मिला। तो हम इस टाइम जाने लगे, वापसी का टाइम हो गया है, और हमें आप सब इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।